subscribe and press the bell icon to never miss a video from News. सामने के घर में बैठी हूँ, मेरा घर होते हुए, मेरा अधिकार होते हुए ये लोग मेरे साथ किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, देखिए। तो अब क्या चाहती है? स्टेप क्या होगा? अब अगला स्टेप क्या होगा? आप गांव में हैं, आप और आपके कब तक रहेंगे? मेरा स्टेप बिल्कुल साफ सुथरा है। मैंने उससे पहले भी कहा है कि मैं किसी हाल में ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपना रिश्ता नहीं टूटने दूंगी। लेकिन समी ने जो गलती करी है, उस गलती का एहसास उसे करके मुझसे माफी मांगनी होगी हर हाल में। और जिस दिन वो ये माफी मांग लेगा, उस दिन मेरा घर बच जाएगा और मैं घर नहीं टूटने दूंगी और मैं अपना अधिकार नहीं छोड़ूंगी। कब तक रहेंगे ये देखती हूँ, अभी कितना दिन मैं रहती हूँ, लेकिन मैं रहूंगी। कौन कौन साथ में आपके? वकील में मेरी बच्ची आई है, मेरे साथ मेरे जो एडवोकेट हैं जाकिर सर वो आए हैं, मेरी बच्ची के साथ जो उसके देखभाल करने के लिए मेरे वो भी आई है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि जिस तरीके से आपने संगीन आरोप लगाए थे और उसके बाद आप कह रही हैं कि अगर माफी मांग लें तो आपका घर बच जाए, तो क्या ये फैसला होने की संभावना है? आरोप नहीं लगाए थे मैंने, जो सच्चाई है, जो हकीकत है वो बयान किया है मैंने। और आप लोगों ने देखा है कि हर एक सबूत मैंने देकर आप लोगों से बात करी है। और इस चीज को लेकर जो समी ने जितना भी हो सका है फ्रॉड बातें करके, झूठी बातें करके अपने गुनाह को ढका है, लेकिन आप लोगों के सामने, आप लोगों के एंकर के सामने बैठ के वो झूठी बातें कहता रहा और आप लोग एक भी सवाल उनसे नहीं करे। पता नहीं क्यों करे, मुझे तो ये लगता है कि समी से ज्यादा पढ़े लिखे आप लोग हैं, लेकिन फिर भी वो एक कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी होकर आप लोगों को बेवकूफ कैसे बना गया। वो अपनी चालाकियों से अपनी गलतियों को ढकता रहा और आप लोगों ने उस सवाल का जवाब तक नहीं लिया और उसका सपोर्ट करके उसके गलती को मतलब छुपा के आप लोगों ने एक तरफा मुझे विलन बना दिया। हालांकि अल्लाह भी गवाह है, इस गांव के लोग भी गवाह हैं, मेरे घर वाले भी गवाह हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग भी गवाह हैं कि मैं बिल्कुल मतलब मेरा कोई गुनाह ही नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। और ये एक दिन साबित हो ही जाएगा। आपके ससुराल में ताला लटका है और आप अब सामने वाले घर में, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो अब ये बताइए कि कब तक आप यहाँ पर टिकेंगी, कब तक यहाँ पर रुकेंगी, क्या समी से मुलाकात करने के बाद ही जाएंगी? मैंने जैसे यहाँ के डिडोली थाना के जो पुलिस इंस्पेक्टर सर से मैंने बात करी, मैंने उन्हें बताया सारी बातें, उन्होंने वो भी आए हैं अपने पूरे टीम को लेकर आए हैं, उन्होंने पूरा मुझे सम्मति दिया है, उन्होंने मुझे दिलासा दिया है कि वो मेरा साथ दे रहे हैं, मेंटली भी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे और मेरे पास भी खड़े होकर सपोर्ट कर रहे हैं। वो अपने साथ महिला मतलब पुलिस भी लेकर आए हैं और उन्होंने मुझे वादा कराया है कि वो चाबी लेकर मेरे ताला घर के खुलवाकर वो मुझे घर में घुसवाएंगे। ये उन्होंने मुझे वादा भी, इन्वेस्टिगेशन जो कोलकाता टीम पुलिस टीम आएगी क्या इन्वेस्टिगेशन करने दोबारा? अच्छा, ये बताइए कि जो आप यहाँ पर आएंगे ससुराल में है, आपका बताना है कि आपका अधिकार भी है, तो ऐसे में आपको पुलिस की जरूरत क्यों पड़ी? डिडोली कर लेंगे देखिए, क्योंकि अगर समी या समी का जो बड़ा भाई हसीब का तो बिल्कुल क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आप लोग जानते हैं कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल और कितना फ्रॉड आदमी है, तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। वो एक चक्कर में है कि अपनी साली के साथ समी का शादी करवाए, तो वो हर हाल में मेरा और समी का रिश्ता तोड़वाना चाहता है, तो वो मुझे जान से मारने की कोशिश पहले भी कर चुका है, तो उस हाल में वो अब भी जब इतना कुछ हो गया तो वो तो मुझे जान से मारेगा ही, तो मुझे अनसिक्योर फील हो रही थी। तो मैं इंस्पेक्टर सर के पास गई डिडोली थाना का और मैंने अपनी प्रॉब्लम मैंने उन्हें बताया और उन्होंने खूब मुझे सपोर्ट किया।